इंडियन प्रीमियर लीग वुमेन्स T20 टूर्नामेंट का आयोजन MCA स्टेडियम में खेला गया। इस टूर्नामेंट में डॉक्टर ऋचा मोदी को टीम के डायरेक्टर के रूप में भेजा गया था। अपने कार्य को सफल संपादित करने के बाद वापस गोरखपुर पहुंची डॉक्टर ऋचा मोदी ने पत्रकार वार्ता कर टीम द्वारा किए गए कार्यों और टीम के प्रति अपने अनुभव को साझा किया। T20 में जाने का जो अवसर मिला वो मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था। एज अ डॉक्टर हम जो काम करते हैं वो थोड़ा एज अ डॉक्टर ही मुझे वहाँ जाना था, लेकिन खिलाड़ियों की अपनी एक अलग दुनिया होती है, तो मुझे उस दुनिया को देखने का मौका मिला। वहाँ अंडर 19 दो प्लेयर्स थे, तो 18-19 साल की लड़कियों की मेहनत, उनका प्रदर्शन देखकर बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने बताया कि एक तो चीज़ है कि हम लोग की जो एक जनरल नॉलेज होती है कि जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन किसी को कोई भी तकलीफ हो तो सच पूछिए तो MBBS का पूरा नॉलेज रिफ़्रेश हो गया, जनरल नॉलेज रिफ़्रेश हो गई। और लड़कियों का प्रदर्शन, उनकी मेहनत देखकर बहुत अच्छा लगा। प्रॉम्प्टनेस, जो जैसा कि मैंने कहा कि तुरंत 20 से 30 सेकंड में दवा देनी है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग थी। दोपहर से लेकर रात तक हम स्टेडियम के डगआउट में रहते थे, क्योंकि मैं एकमात्र डॉक्टर थी, तो पहली टीम प्रैक्टिस के लिए आती थी, मैं उसके साथ जाती थी दोपहर में 1 बजे, और रात में जो लास्ट टीम प्रैक्टिस करके जाती थी तीसरी टीम, 10 बजे मैं उसके साथ स्टेडियम से वापस लौटती थी। तो बहुत ही नवीन अनुभव था, बहुत ही अच्छा अनुभव था, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे एक नई दुनिया देखने मिली। और मुझे ये भी समझ में आया कि लड़कियाँ कितनी आगे हैं और कितना